करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, बिकॉज योर एग्ज़ाम इज कमिंग इन नवम्बर डिसम्बर। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलते रहें। Good morning dear students, this is Miraj and today we are going to study about how do metals and non-metal react. Generally क्या होता है, अगर हम metals की बात करें तो अगर आपने periodic table देखी होगी तो आपको मैं बता देता हूँ कि periodic table एक chart paper है और ये chart paper कुछ ऐसा है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक columns के अंदर क्या रहते हैं, इन्हें groups कहते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये group कहलाएंगे और ये जो होते हैं ये पीरियड कहलाते हैं। ठीक, याद रखना कि पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि अगर कोई पीरियड पूछता है कि भाई किसी एक पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं या कितने फॉर एग्जांपल कॉलम होते हैं, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर कितने होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं। और इसमें जो रोज होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऊपर से नीचे, ये क्या होती हैं, रो कहलाती हैं, इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 to 7 पीरियड्स होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पीरियड एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम और ग्रुप। ठीक, जब आप इस साइड से चलेंगे, जनरली इस साइड से, तो यहाँ वाली जो होंगी वो सब मेटल्स होंगी, और जैसे आप इधर जाएंगे मेटलिक करेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इस साइड जाएंगे तो डिक्रीज होगा और इस साइड जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो जो भी मेटल्स इस साइड में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जनरल मेटल्स, यानी कि एस ब्लॉक मेटल्स कहलाती हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे मेटल्स के अंदर। जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं ना मेटल मेटल मेटल, तो वो सारी मेटल्स क्या आती हैं, ज़्यादातर यहाँ से आती हैं, मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम है, और उसके बाद दूसरे की बात करें तो हम पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये क्या होती हैं, ये इस ग्रुप से आती हैं, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से ये मेटल्स आती हैं। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेटल्स, के मेटल और नॉन मेटल्स एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करने वाली हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ फोकस एंड ट्राई टू बी एक्टिव। ये पीरियोडिक टेबल बताने का रीज़न था कि इससे तुम मेंटली क्लियर कर पाओ कि ये किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। बाकी आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें जो होगा क्लियर हो जाएगा, तो ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो याद रखना मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं। लॉस का मतलब होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना। ठीक, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, इसे नोट कर लें कि मेटल्स में क्या होते हैं, जो कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है और एलिमेंट के एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स जो होंगे वो ट्राई टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी कि उनकी बाहर वाली सेल में क्या होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो वन थिंग, एक तो ये है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी कि लॉस कर दें, जिससे उनकी बाहरी जो सेल है, वैलेंस सेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या फिर वो क्या करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लें, जिससे क्या हो जाए कि उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अंडरस्टैंड, तो ये क्या होता है, रीज़न होता है इसके बिहाइंड। तो या मेटल जो होंगी वो क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देती हैं, और जब ये रिलीज़ करती हैं तो ये पॉजिटिव आयन बना लेती हैं। पॉजिटिव आयन कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास अगर सोडियम दिया हो और उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इससे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं, जिससे उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए आसानी से, तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, तो इसके बाहर वाली सेल्स जो होंगी, जैसे हमने पढ़ा था कि किसी एक एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है,
इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये एन ही याद रखना, कभी एम मत समझना इसे। और इसके बाद क्या होते हैं, बाहर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, या बोहर मॉडल बोल दें तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके बाहर जो पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक। तो अब किसी भी एटम के बारे में जो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम मान लें कि इसके पास कितना एटॉमिक नंबर दिया है, 11 दिया है, तो इसका मतलब इसके पास जो थे 11 प्रोटॉन थे। तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, लेट मी राइट, 11 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 11 ही क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ऑफ कोर्स रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास 11 ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, और अगर हम इन्हें क्लासिफिकेशन इनका करते हैं, मतलब अगर हम इनको अरेंज करते हैं, तो हम लोग जानते थे कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आते हैं 2n2। और ये बताएगा कोई मुझे कि ये किसने दिया था, ये लोग, कि हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन सेल, तो वो कितने आएंगे, 2n2। तो अगर हम पहली वाली की बात करें तो 2n2, तो मतलब पहली वाली, तो n मतलब हो जाएगा 1, और अगर n 1 है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि n 1 होने पर हमारे पास पहली ऑर्बिटल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब n बराबर हो गया 2, और इस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमारे पास एक और बचा तो 11 के लिए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ऑर्बिट में क्या करेंगे, हम आएंगे तो उसमें ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो हम लास्ट वाली ऑर्बिट में क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक। अब इस ऑर्बिटल में, लास्ट वाली में, हमको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसके लिए सबसे आसान क्या है, इसके लिए सबसे आसान है कि ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, जिससे कि उसके बाद वाली जो सेल होगी उसके अंदर कितने हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इसी तरीके से मेटल क्या करती हैं, वो अपने बाहरी सेल का एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी यहाँ पर सोडियम, और इसका जो कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, वो नोबल गैसेस की तरह हो जाएगा, यानी कि इसका लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। दैट इज सिंपल, ठीक। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। सिंपल वी अप्लाई ऑन मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे ऑफकोर्स। तो इसमें क्या होगा, हम 2 तो यहाँ जाएंगे स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर गए थे, फिर उसके बाद कितने जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, वो भी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 बचे, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए उसके लास्ट ऑर्बिटल में, यानी कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले, या फिर क्या करे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, रिलीज कर दे। तो ये बीच वाला रास्ता लेता है कि भाई मेरे लिए आसान है 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था तो 1 पॉजिटिव आया था। इसी तरीके से क्या होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अंडरस्टैंड, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मैग्नीशियम आयन बन गया, और ये मैग्नीशियम आयन बन गया, और ये बन गया हमारे पास सोडियम आयन, और ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसे सोडियम कैटायन, और इस वाले को बोलने वाले हैं सोडियम मैग्नीशियम कैटायन। ओके, नाउ द सिमिलर थिंग अप्लाइड ऑन नॉन मेटल्स। तो हाउ दे डू, ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेंगे या इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब जब मेटल्स क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही हैं, तो जो नॉन मेटल्स होंगी वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एक्वायर करती हैं, ठीक, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं, जिससे क्या होता है उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, निगेटिव चार्ज जब जा रहा था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि जैसे ये पॉजिटिव कहला रहे थे बिकॉज दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो निगेटिव होगा, तो इस वजह से इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक, अब जैसा हम जानते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो गया 17, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17 है, तो अब मुझे बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो सिमिलर और इक्वल, तो दैट इज बिकम 17। इस केस में क्या देखते हैं हम कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं हम, तो हम क्या देखेंगे, पहले में तो 2 आते थे सिमिलरली, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18 आते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी इक्वल टू 8, यानी कि 18 आए या और कम से कम 8 तो रहने ही चाहिए लास्ट ऑर्बिट में। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए, अब बचे कितने हमारे पास 7, तो लास्ट वाली ऑर्बिट में हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब आप मुझे देखकर बताएं यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब इसके ऊपर आएगा 7 पॉजिटिव चार्ज, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या जरूरत है ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जैसे आप देख रहे हैं क्लोरीन है, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Cl-। ठीक है, अब सिमिलर अप्लाइड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जानते हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 8 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इन्हें अरेंज कर लो तो ये होगा 2 पहले में आएंगे, अब 2 तो यहाँ पर आ गया तो हमारे पास कितने बचे 6 बचे, तो 6 आ जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में। ठीक, तो अब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में पूरे हो जाएंगे और इसका काम सेट हो जाएगा। ठीक, तो इसका काम सेट करने के लिए हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देने, तो हमारा क्या जा रहा है हमने क्या किया इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और हमने क्या देखा जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ गए। जब किसी आयन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एनायन। ठीक, तो यहाँ पर क्लोरीन एनायन जो है उसके ऊपर 1 चार्ज है और जो ऑक्सीजन एनायन जो है उसके ऊपर 2 चार्ज है। अब याद रखना अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। ओके, अब क्या होगा अगर किसी चीज़ के ऊपर चार्ज आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं और उनके पास उनके ऊपर एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, देन अगर वो किसी एक सोल्यूशन में है तभी तो हम देख पाएंगे कि उनके अंदर से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कहीं से ट्रांसफर हुआ हो और कहीं से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आए हों। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे को उन्होंने एक्सचेंज किए हों, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी सोडियम को और क्लोरीन को हम एक जगह ले लें, ठीक, और उनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराते हैं या किसी केमिकल प्रोसेस से वो एक्सचेंज होता है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, क्लोरीन की ऑर्बिट भी क्या हो गई पूरी हो गई और सोडियम की ऑर्बिट भी पूरी हो गई और उसी के साथ हमने क्या देखा उन दोनों के ऊपर क्या हुए चार्जेस आ गए। जब इन दोनों के ऊपर चार्जेस आएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है इसी तरीके से यह क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा 2-8 कॉन्फिग्रेशन इन दिस केस और इसके पास हो जाएगा 2-8-8 कॉन्फिग्रेशन। क्लियर, यहाँ पर क्या होता है दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है और ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है ऑब्टेन हो जाता है। याद रखना हमेशा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं या तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे यानी कि एक्वस में सॉल्युबल, और अगर उसके बाद वो किस स्टेट में पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और वो सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये 2-8-1 हो गया, जिसने इसने क्या किया इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने थे बैलेंस सेल के अंदर, बैलेंस सेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये क्या करेगा इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर दे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे सोडियम कैटायन,
या फिर सोडियम के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम आयन। इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्लोरीन के केस में इसके ऊपर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं तो ये 2, 8, 7 हो जाता है। ठीक, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में क्या हो जाएगा, सीएल निगेटिव आयन बनाएगा जिसे हम बोलते हैं क्लोरीन एनायन। ठीक, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव निगेटिव को और इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, और ये बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो दिस इज कॉल्ड द, तुम क्या देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड, तो दिस इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसमें क्या हुआ, आयंस बने, तो इसी वजह से क्या होता है, ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लोरीन एनायन और मैग्नीशियम एनायन। तो इस फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे, ये भी आयंस बना रहे हैं, तो आप देख लें एक बार, समझ लें इसे अच्छे से कि यहाँ पर क्या हमारे पास मैग्नीशियम है, हमने कॉन्फ़िगरेशन किया इसका 2, 8, 2 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम कैटायन। सेकेंड वी स्टडी अबाउट द मैग फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। इस केस में क्या होता है, हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2, तो इट्स बिकम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव कैटायन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं तो एक जो क्लोरीन होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करती है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी ऑर्बिटल में पूरे हो जाते हैं यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और ये क्या करता है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 क्लोरीन होने चाहिए जिसके ऊपर एक निगेटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव के लिए इक्वल टू होगा 1 निगेटिव + 1 निगेटिव, यानी कि 2 निगेटिव जो होगा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एक मैग्नीशियम के लिए। तो 2 क्लोरीन एटम्स क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड द मैग्नीशियम टू बैलेंस इट्स चार्ज और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनकर आता है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर हमारे पास 12 प्रोटॉन थे, अगर हम कॉन्फिग्रेशन करें तो 2, 8, 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स फार्मूला, बोहर एंड बुरी फार्मूला, और यहाँ पर जो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, ये लॉस कर देगा और लॉस करने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम कैटायन बनकर आ जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 2, 8, 7 हो जाएगा और अगर हम इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ये क्या होते हैं, 7, यानी कि इसे रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जिसकी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। टू बैलेंस द चार्जेस बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन के पास 1 निगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स आएंगे और वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ने के बाद रिजल्टेंट देंगे हमें मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MgCl2, ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं जब आयन्स का फॉर्मेशन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तब जो आयन्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बन रहे हैं तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू नॉन मेटल्स। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड्स, तो बोलना है कि जो बॉन्डिंग बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल होती है, उन कंपाउंड्स में क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लें, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर मेड अप ऑफ आयन्स, और इनमें क्या बनते हैं, पहले आयन बनते हैं उनके बाद उनके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे हमारे घर में NaCl के क्रिस्टल आते थे पहले, मतलब अब तो पिसा हुआ नमक आता है। ठीक,
पहले क्या आते थे, क्रिस्टल्स आते थे। तो ये क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाई होता है, यानी कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन्हें मेल्ट करने के लिए, और बॉईल करने के लिए उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो पहले तो मेल्ट करना है, सॉलिड है तो, और उसके बाद बॉईल करेंगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये बहुत अच्छे से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नमक को पानी में डाल दें तो बड़ी आसानी से वो घुल जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन इन ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेट्रोल की बात करें, कैरोसिन ऑयल की बात करें, तो इसमें क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट एंड सोल्यूशन, यानी कि अगर आप इन्हें मेल्ट कर दें और ये सॉल्युबल सोल्यूशन की फॉर्म में हो, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ चार्जेस, यानी कि हमने देखा ना कि सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की ओर जाएंगे, यानी कि वन पॉजिटिव जो क्लोरीन होगा वो पॉजिटिव की ओर जाएगा और जो सोडियम होगा वो निगेटिव की ओर जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो इसमें चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र कर देता है ये एक दूसरे से की तरफ, क्या होता है, मोशन होने लगता है, जिससे क्या होगा कि इसमें कंडक्टिविटी ऑफ लाइट होने लगती है, यानी कि दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ मोल्टन एंड अ सोल्यूशन फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, राइट नाउ वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर नाउ, राइट हियर राइट नाउ, और वी डिस्कस अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। हम इसके बारे में बात करेंगे, अकरेंस की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इवन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स। और अभी तक जो भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखें, तो दिस ऑल द रिएक्शन वी हैव स्टडीड इन लास्ट चैप्टर, यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था और लास्ट चैप्टर था, वहाँ पर हमने बहुत सारी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो माई एडवाइस टू यू कि प्लीज़ प्रिपेयर द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर वेरी वेरी प्रिसाइजली एंड क्लियरली, और उसके बाद द सेकंड चैप्टर, आप थर्ड चैप्टर के बारे में बात करें। आप देखेंगे कि इसकी सारी रिएक्शंस हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लाना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीज़ों को बार बार एक ही तरीके से रिपीट किया जाता है, और रिएक्शंस जो होती हैं वो सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड होती हैं, ठीक। इवन मैं कह सकता हूँ कि हाई स्कूल, ये जो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, इसमें तो ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़े चेंजेस आते हैं, जहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आप देखेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस बाद की बात है। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसे समझना, और दैट यू रियली नीड टू डू, ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान रखें अपना, घर पर रहें, और पूरे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड के, उन्हें फॉलो करें अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो, और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।